जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीडी 2024 में अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, सभी का मन में यही सवाल हो रहा है, सर प्लीज बताइए प्रमोशन कैसे ले सकता हूँ, पढ़ाई कैसे करूँ आगे तक, ये पूरा बिल्कुल बताइए और बिल्कुल बताऊँगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को जमा देना है ज्वाइनिंग के टाइम, अगर आप लोगों का सपना है एसआई बनने के लिए या प्रमोशन लेने के लिए या दूसरा जॉब के लिए, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वीडियो कंप्लीट देख लेना तभी आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। दोस्तों एसएससी जीडी का 2024 के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाला है, जनवरी में आप लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है। ज्वाइनिंग होने से पहले आप लोगों बता आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या जानना बहुत जरूरी है सर, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या जमा देना चाहिए ताकि मैं दूसरा जॉब के लिए मैं कैसे अप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत कैंडिडेट को पता नहीं और हमको भी पता नहीं था, और हमारा थोड़ा सा क्या हमको भी जानकारी नहीं थी, और इसलिए क्या मेरा जैसा नहीं होना है आपको भी, इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप लोगों को जहाँ पे जो भी कोर्स आप लोगों को मिलता है अगर आप उसमें खुश है या आपके इसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आगे तक बढ़ना चाहते हैं, तो अब आप क्या है ग्रेजुएट का भी आपको ग्रेजुएट है तब आप ग्रेजुएट का भी आप या 10+2 है तो आप उसका डॉक्यूमेंट्स आपको जमा देना है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो अभी आप एसआई के लिए अप्लाई कर पाएगा कोई भी कोर्स में। फर्स्ट बार हो गया, क्योंकि 3 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल कंपटीशन बहुत कम होता है। दूसरा बात आ जाता है, जिसका पास ग्रेजुएशन नहीं है वो कैंडिडेट क्या करे, वो कैंडिडेट भी 10+2 का जमा दीजिए, बाद में आप NOC लीजिए, NOC लेके आप पढ़ाई कीजिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटल थ्रू। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, सर मुझे पढ़ाई करना है, मुझे दूसरा कोर्स में जाना है या मुझे स्टेट पुलिस में जाना है, मैं क्या करूँ, तो आप इसमें ना ग्रेजुएट या 10+2 का कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैट्रिक पास जो है 10 पास का जो सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट्स आप जमा दीजिए। आपका और आपका दूसरा जॉब के लिए आप तैयारी कर रहा है कोई और अच्छा जॉब, या कोई आपका चाहता है आप स्टेट में नौकरी करें, तब आप बाकी डॉक्यूमेंट्स देने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10 पास, क्योंकि ये 10 पास लेवल का जॉब है जीडी का, है ना, इसलिए आपको 10 पास लेवल है, बाकी सर्टिफिकेट कुछ नहीं देना है, आप रखिए। और जैसे आपका 40 निकलेगा कोई भी आपका स्टेप में, आप NOC दीजिए, मुझे उस 40 में देना है, तब आप NOC लेके आप एग्ज़ाम दे सकता है, और अगर आपका हो जाता तब आप इसमें NOC दे के भी आप डॉक्यूमेंट्स निकल सकता है, यह हो गया। और नहीं तो आप ऐसे अंदर से कोई सुपर के आप दे देगा कुछ 40 में, तब आपको बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, कैसे होगा, इसलिए आप NOC लेना है पड़ेगा। NOC लेने से आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगा, आप ज्वाइनिंग करने के लिए भी पैसा दे के भी जा सकता है। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को, आप डिपार्टमेंटल के लिए आपको कितना दिन पढ़ा करना पड़ेगा, कब तक दे सकता है डिपार्टमेंटल के लिए, जो आप जब आपका 3 साल नौकरी हो जाता है तो अभी आप एग्ज़ाम दे पाता है, 10+2 है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए या हेड कांस्टेबल के लिए दे सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तब आप SI के लिए भी दे सकता है। इसमें आपको लगभग आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। इसमें डिपार्टमेंटल में आप लोगों को क्या होता है, इसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम होता है, अच्छे से मेहनत करेगा तब आपका जरूर इसमें हो जाता है। डिपार्टमेंटल का जो बारे में आप लोगों को पूछताछ करेगा राइफल के बारे में, या आपको डिपार्टमेंटल मतलब आप CRPF में तो CRPF के बारे में पूछेगा, CISF में गया तो CISF के बारे में पूछे, यही क्वेश्चन भी आपको लगभग 50% मतलब क्वेश्चन आ ही जाता है। आप लोगों को पता है इसका सिलेबस खुद देखना पड़ेगा आपको, और यही है दोस्तों, बाकी आप लोग टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स आप लोग मैं बता दिया किसको, और पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा ज़रूर, आप NOC लेके आप ग्रेजुएट कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, बहुत बढ़िया जॉब है, कोई भी जॉब कोर्स अच्छा है और आपका सपना और पूरा कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।